और यहाँ पे मैं अभी शाम की सब्जी की तैयारी कर रही हूँ कि क्या बनेगा। शाम को 5 बज गई है तो मैं सोच रही हूँ, यहाँ पे ये बड़ी हैं, इनको मैं भिगो देती हूँ और ये आलू के साथ इसकी सब्जी अच्छी सी बन जाएगी। तो 2 जनों के लिए इतना ही भिगोऊंगी। गुनगुने पानी में मैंने इसको भिगो दिया है। फिर 2 घंटे बाद इसको देखूंगी। यहाँ पे चाय बना रही थी मैं, तो 5 बजे के बाद चाय बनती है, तो चाय आज छुट्टी भी है हस्बैंड की, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक न्यू वीडियो लक्ष्मी ब्लॉगर। दोस्तों कैसे हैं आप? तो दोस्तों आज मैं फिर से किचन में आ गई हूँ अभी, और मैं बना रही हूँ खाना। खाना क्या, सब्जी बना रही हूँ मैं। तो रेसिपी तो नहीं कर रही हूँ आज भी शेयर, क्योंकि ये वाली रेसिपी पहले मैंने शेयर कर रखी, और अभी ना ये हो गया, तेल हो गया बहुत गर्म। तो चलो चलते हैं, देखते हैं मैं क्या क्या बनाती हूँ, तब बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं किचन में काम कर रही हूँ, अभी बना रही हूँ मैं रात की सब्जी। और कैमरा थोड़ा नीचे हो गया था, मैं अब थोड़ी देर में ठीक कर दूँगी। जब मतलब कैमरा लगा हो, अपने आप वीडियो बनाओ तो पता नहीं चलता है कि मैंने कितनी दूर पे रखा है। तो यहाँ पे मैं सब्जी बना रही थी, और मतलब कि मसाले बना रही हूँ, और आलू मैंने उबाल रखे हैं, और फिर टमाटर डाल दिए मैंने। उसके बाद मैं उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दूँगी ताकि वो अच्छे से गल जाए टमाटर। और साथ में ही मैं मतलब ये दिखा रही हूँ कि क्या क्या काम मैं साथ में कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू भी उबोल मतलब उबाल के रखे हैं मैंने, और जो वो हैं क्या बोलते हैं वो बड़ी बड़ी को मैंने 2 पानी से धो के निचोड़ के उनके 2 2 पीस करके, वैसे भी वो छोटी वाली बड़ी थी जो बारीक वाली आती है पैकेट में, वो थी, तो उनको 2 2 3 3 पीस जितना भी बन सकता है वो कर रखा मैंने चाकू से काट के। और साथ साथ में मेरे यहाँ पे जो आलू हैं उनको भी मैं छील दूँगी, और मसाले भी पक रहे हैं। तो मतलब टमाटर डाल दिए मैंने, तो उसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल दूँगी ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए यहाँ पे। तो मैं साथ साथ में इस तरह मेरा काम होता है। और मतलब कि साथ में आलू भी छिलो और मसाले भी बन रहे हैं। तो इस तरह मतलब जब किचन में इसी तरह लेडीज हर लेडीज इसी तरह करती है, किचन में सारे काम इकट्ठा होते रहते हैं। मैं बातें में कर रही थी, लेकिन वही होता ना, मतलब कुछ और चीज़ की, जैसे टेलीविज़न की किसी और चीज़ की आवाज़ आए तो उससे अच्छा मैं म्यूट कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, और आलू भी छिल गए हैं तो इनको मैं अब काट दूंगी, और काट के 2 2 पीस, वैसे भी छोटे आलू हैं ये, तो इनके 2 2 पीस करके, और उबले हुए आलू हैं तो सब्ज़ी अच्छी बनेगी, अच्छी ग्रेवी बनेगी सब्जी की। तो यहाँ पे मैंने आलू छिल के रख दिए हैं, और इनको काट के फिर मिक्स कर दूंगी। और सब्जी मैंने मिक्स कर दी, और अब सब्जी बन गई है। तो खाना खाने की तैयारी हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह बनी थी सब्जी, किस तरह बनी थी नहीं बनी है सब्जी।
तो मैं वो दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जी भी बन गई है और बिल्कुल ऐसी बनानी है मुझे। इसमें मैं धनिया काट रखा था वो डाल दूँगी, फिर इसको मिक्स कर दूँगी। और अभी मैंने मोबाइल हाथ में ले रखा तो थोड़ा सा हिल रहा होगा, इग्नोर करना। यहाँ पे सब्जी बन गई, रोटी भी मैं साथ में बना रही हूँ इधर। और तो दोस्तों ये मैं दिन में पीछे गई थी, पीछे की साइड हमारे कमरे के पीछे एक बहुत बड़ा आम का पेड़ है और ये देखो इसमें कितने आम लग रखे। इस बार खूब सारे आम आ रखे हैं। इस समय शाम का समय है ना, तो अच्छे से दिख नहीं रहा, फिर भी मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह यहाँ पे आम लग रखे। और पक्षियों की आवाज़ भी बहुत सुंदर आ रही थी, लेकिन पीछे की साइड ना कुछ भागवत वगैरह हो रहा है, मैं उसकी जो आवाज़ थी वो थी मैंने म्यूट कर दी, नहीं तो बहुत अच्छी आवाज़ आ रही थी पक्षियों की और अच्छी लग रही थी। यहाँ पे ये आम का पेड़ है, पीछे की साइड का ये, एक दिन मैंने पहले आगे की साइड का बताया था जो हमारे मतलब कमरे के आगे है, लेकिन ये हमारे पीछे की साइड है। तो यहाँ पे आड़ू का पेड़ भी है, आम का पेड़ है, पीछे की साइड दिख रहे आप, तो ये बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। और ये आड़ू का पेड़ भी है, मैं अभी आपको आड़ू का पेड़ भी दिखाऊंगी। तो ये अभी शाम का समय है, सूर्य भगवान भी छुप गए, आप लोग दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो खूब मतलब कि अच्छे आम आ रखे हैं इस बार। यहाँ पे ये आड़ू का पेड़ भी है और फूल का पेड़ है, ये आड़ू भी लग रखे हैं। तो ये हमारे पीछे की साइड है कमरे के पीछे। तो आप देख रहे होंगे इस तरह मतलब घर के आगे पीछे अच्छा रहा तो अच्छा लगता है। यहाँ पे फूल का पौधा भी है, लेकिन अभी कम हो रखे हैं इसमें फूल, झड़ गए सारे वो। अब बारिश भी हो रही है ना, तो अब झड़ रहे हैं सारे फूल, दोबारा से आएंगे फूल अब। और यहाँ पे आम दिख रहे हैं आप, बिल्कुल नज़दीक पे है, लेकिन हम खाते नहीं हैं ना खटाई वगैरह, तो मैं ज़्यादा बनाती भी नहीं हूँ। ज़्यादा क्या, मैं बनाती ही नहीं हूँ क्योंकि मेरे गले में दर्द होता है। ये भी बहुत मतलब हस्बैंड भी बहुत कम पसंद करते हैं, तो कभी कभार करता मन गर्मियों में चटनी खाने का, ऐसे खास वो नहीं है कि बनाना बनाना है। तो इस तरह ये आम का पेड़ है और यहाँ पे ये आप लोग देख रहे होंगे कितना अच्छा लग रहा है। ये फूल है और अब हमने खा लिया है खाना। और खाना खाने के बाद हम थोड़ा सा मैं और मेरी पड़ोसन हम जाते हैं थोड़ा टहलने। तो हम जा रहे हैं टहलने, तो दोस्तों मेरा मतलब कि बर्तन में धुल गए, सब कुछ हो गया, अब जा रहे हैं हम टहलने। टहलने के बाद आएंगे फिर सो जाएंगे। तो चलो चलते हैं टहलने के लिए। फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल घंटी प्रेस करना ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। बाय।